नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि आप हमारी थोड़ी सी आर्थिक मदद भी करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। और अब आज का कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी, हमारा वो कार्यक्रम जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर। और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज उनसे करेंगे बातचीत क्योंकि ऐसा लगता है जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत का ना आंकड़ा मिलने के बाद जो देश की राजनीति में बदलाव आया है उसका रिफ्लेक्शन अब लगातार संसद के अंदर और बाहर दिखाई पड़ रहा है। संसद के अंदर विपक्ष जो 2014 से लेकर 2019 और 2019 से लेकर 2024 तक कमजोर सा दिखाई पड़ता था, काफी हद तक रक्षात्मक रहता था, अब काफी आक्रामक मुद्रा में है। और इस आक्रामक मुद्रा के तेवर भी दिखाई पड़े उस वक्त जब संसद के अंदर बजट के अगले दिन, बजट पेश होने के अगले दिन विपक्ष ने मुद्दा बना लिया कि दरअसल ये बजट जो है वो सही बजट नहीं है, ये बजट डिस्क्रिमिनेटरी है, भेदभावपूर्ण है, ऐसा बजट है जो सिर्फ दो राज्यों के बारे में बातचीत करता है, बिहार और आंध्र प्रदेश के बारे में, और बाकी राज्यों की इसको कोई चिंता नहीं है। इस बात को लेकर राज्यसभा के अंदर थोड़ी देर के लिए वॉकआउट भी हुआ और लोकसभा के अंदर इस बजट के विरोध में प्ले कार्ड्स भी दिखाए गए और साथ ही साथ नारेबाजी भी हुई। विपक्ष का ये रुख क्या कहानी कहता है? क्या ये अब भारतीय जनता पार्टी की नियति है कि उसको आक्रामक विपक्ष का सामना लगातार करना पड़ेगा? और क्या ये आने वाले समय में देश की राजनीति में कोई महत्वपूर्ण बदलाव भी ला सकता है? श्रवण गर्ग जी से जानेंगे। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस कार्यक्रम में। क्या कहते हैं सर इस पे? देखिए सर, 2004 से 2014 तक यूपीए की गवर्नमेंट थी और वो भी कोई कांग्रेस को बहुमत नहीं था, बैसाखियों पर थी, कई दलों का समर्थन था यूपीए में, कई लोग ब्लैकमेल करते थे, दबाव डालते थे। उस समय विपक्ष में बीजेपी थी, कुछ नहीं कर पाई। अमित मालवीया का अगर आप ट्वीट देखें, आज जो देखें उनका जो ट्वीट है कि ये जो आरोप है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, भेदभावपूर्ण है, उसको लेकर उन्होंने गिनाया है कि जब जब यूपीए की गवर्नमेंट में कोई घटक दल साथ में रहा तो उसको दिया गया और जैसे ही वो बाहर हुआ उसको कोई किसी तरह की कोई बजट में प्रोविजन नहीं किया गया, वो याद दिला रहे हैं असल में। दूसरा मुद्दा ये कि निर्मला सीतारमण ने जब राज्यसभा में कहा कि ये कहना गलत है कि दूसरे राज्यों को कुछ नहीं मिल रहा है, उन्होंने कहा कि जो वर्ल्ड की, दुनिया की जो दूसरी फंडिंग एजेंसीज हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, उनकी जो फंडिंग आती है वो एजेंसियों को सबके जरिए या सरकार के जरिए सारे राज्यों को मिलती है, ये उनका कहना है। मतलब बेसिकली ये जो चीज है, और उसमें जो अमित मालवीया का जो ट्वीट है उसमें ये भी कहा है कि गौरव गोगोई का एक वीडियो दिखाया है कि वो कैसे कह रहे थे कि आंध्रा और बिहार को अतिरिक्त बजट मिलना चाहिए और अब वो ही इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, इसमें मुद्दा जो हम ढूंढना चाहते हैं वो ये ढूंढना चाहते हैं कि मोदी जी कहाँ गायब हैं। वो मोदी जी जो पिछले 10 सालों में उपस्थित थे देश में, संसद में उपस्थित थे, और जो हाल के दिनों तक एक अकेला सब पर भारी करते थे, छाती कोट कर करते थे और डंके की चोट करते थे, आज वो कहाँ चले गए? मोदी जी कहाँ चले गए? मोदी जी के स्किल्स कहाँ गायब हो गए? और अमित शाह कहाँ चले गए जो डिफेंड करते थे? मतलब जो एक बजट
जो चीज है वो अपनी जगह है। एक तीसरी पारी की सरकार पहली बार अपना पहला सत्र फेस कर रही है, सरकार बनी है, शपथ लेने के बाद चालू हुई है, बजट सत्र है। क्या सरकार के लिए ये बजट सत्र या बजट इतनी मुसीबत पैदा कर सकता है? क्या सरकार ने कल्पना नहीं की थी क्या? ये जो मुद्दे निकलते हैं वो ये जी। दूसरा ये कि ये चलेगी कैसे, मतलब दो चीजें, सरकार संसद कैसे चलेगी, बजट कैसे पास होगा, बजट पर बहस कैसे होगी, और बजट पर बहस क्या होगी और सरकार क्या जवाब देगी बजट का, और संसद के बाद सरकार कैसे चलेगी जो हम देख रहे हैं। देखिए, नीति आयोग की बैठक है 27 तारीख। अब नीति आयोग जो है वो उसने प्लानिंग कमीशन की जगह ली है, प्लानिंग कमीशन की जगह इसको नीति आयोग को बनाया गया है जी। और ये मतलब सर्वोच्च संवैधानिक संस्था इस मामले में है कि ये राज्यों का भविष्य तय करती है, राज्यों की योजनाओं पर बात करती है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं जी। और इसको पुनर्गठित किया गया, अभी पुनर्गठित इसलिए किया गया है कि इसमें एनडीए के लोगों को भी लिया गया, जो जिनको आप फोरम बैसाखी मानते हैं उनके प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया गया है, तेलुगु देशम को लिया है, जेडीयू को लिया है, तमाम दलों को लिया गया है। उसकी पहली बैठक है 27 को और इंडिया ब्लॉक उसका बहिष्कार करने वाला, घोषणा कर दी कि नीति आयोग की बैठक में कब मैं भाग नहीं लेंगे। अब उसमें ममता बनर्जी भाग लेने वाली है। इसमें एक दो चीजें, एक तो ये कि इंडिया ब्लॉक ने कहा है कि हम भाग नहीं, इंडिया ब्लॉक के बारे में जो बताया गया है कि हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक, यहाँ जो सरकारें हैं इनकी कांग्रेस की सरकार है, उसको इंडिया अभी जो कहा है कि वो नहीं लेंगे। पर साथ में ये भी कहा है दबी जुबान से नहीं, मतलब कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी तो लेंगी भाग या उनकी सरकार लेगी, और ये भी कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन भी लेंगे, ले सकते हैं, और आम आदमी पार्टी भी भाग ले सकती है इसमें। डीएमके नहीं लेगी, स्टालिन ने घोषणा की, तो वो इसमें इंडिया ब्लॉक की जो दिक्कतें हैं वो तो उजागर होती हैं कि भाई इंडिया ब्लॉक के सारे लोग बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। पर हम जो देख रहे हैं कि जो राज्यसभा में खड़के साहब के साथ जो वॉकआउट हुआ, बहुत ही ब्रीफ हुआ, वो गए और वापस आ गए, और लोकसभा में जो नारेबाजी हुई और प्लेकार्ड्स वगैरह दिखाए गए बजट को लेकर, उसमें सारे लोग थे और वो सम्मिलित रूप से उन्होंने प्रदर्शन भी किया। हमने मुद्दा ये उठाया है कि सरकार कैसे चलेगी और संसद कैसे चलेगी, और तीसरा ये मुद्दा उठाया कि मोदी जी कहाँ गायब हो गए, जो मोदी जी पिछले 10 सालों से देश को नजर आ रहे थे, और शाह साहब जो नजर आ रहे थे, ये जो सरकार नजर आ रही थी वो कहाँ गई, और सपोर्ट कौन कर रहा है, मतलब सरकार को, एनडीए को, ये राज्यसभा में जो विरोध हो रहा है और लोकसभा में जो हो रहा है, तो उनके समर्थन में कौन ऊंची आवाज करके बोल रहा है। मतलब याद कर सकते हैं स्मृति ईरानी की अनुपस्थिति को, याद कर सकते हैं कि वो नहीं है। तो अब जो दूसरा मुद्दा आता है, कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि इस बजट से फायदा किसको हुआ है, मतलब राज्यों को नहीं हुआ, किसी राज्य को नहीं हुआ, भाजपा के राज्यों को भी नहीं हुआ, और महाराष्ट्र जो चुनाव पर जा रहा है उसको भी कह रहे हैं कि नहीं हुआ, हालांकि सीतारमन ने कहा है कि कौन कहता है कि महाराष्ट्र को नहीं हुआ, 70,000 करोड़ के करीब का बंदरगाह वहां वाधवाम ने दिया जा रहा है, और भी मई जून में कई योजनाएं प्रधानमंत्री ने कई योजनाओं का शिलान्यास किया जो करीबन 36,000 करोड़ की है, पर आम आदमी को कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब ये भी कह सकते हैं कि अगर महाराष्ट्र में जो 70,000 करोड़ का है, जितने भी 1,000 करोड़ का पोर्ट बनेगा, तो पता नहीं वो अल्टीमेटली किसी उद्योगपति की गोद में चला जाएगा वो पोर्ट,
जैसे एयरपोर्ट्स चले गए। अब ये जो कहा इन्होंने कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, तो सीतारमन को बहुत बुरा लग गया जब खड़गे साहब ने कहा कि केवल दो राज्यों को, दो राज्यों में भी देखिए स्थिति है कि बिहार को करीबन 59,000 करोड़ मिल रहे हैं और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। ये भी एक मुद्दा है इसमें। और बिहार जो है एनडीए के लिए, जीत के लिए या सरकार के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो खड़गे साहब ने कहा कि जो इंडिया ब्लॉक है वो इस बजट की भर्त्सना करता है, और अपोजिशन ने उसको वॉकआउट कर दिया जैसा आपने कहा राज्यसभा में। पर जैसे ही निर्मला सीतारमण बोलने को खड़ी हुई तो अपोजिशन फिर से आ गया वहां बोलने के लिए क्या कह रही है। और लोकसभा में इंडिया ब्लॉक ने नारेबाजी की जिसमें ये था कि ये जो इंडिया है वो इस एनडीए के बजट को खारिज करता है और ये जो बजट है ये इंडिया को इसने धोखा दिया है, और वो कह रहे हैं कि सारे राज्यों को आप एक समान ट्रीट करिए। अब ये तमाम चीजें चल रही है, यो अभी इस समय हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में चल रही है और पार्लियामेंट को अभी काफी दिनों तक चलना है, मतलब अगस्त तक चलना है, मेरे ख्याल से 12 अगस्त तक चलना है जी। 19 बैठकें हैं कुल, और मेरा मानना है कि शायद अभी तीसरी बैठक हो रही है, तीसरी या चौथी बैठक हो रही है। अगर 22 तारीख से शुरू हुई तो तीसरी बैठक होना चाहिए, 19 बैठकें हैं। अब जो हमने एक मुद्दा उठाया है जो कि वैलिड है कि हमको सरकार ये बताए कि बजट से किसको फायदा हुआ है और क्या फायदा हुआ, मतलब आम जनता जो बजट की तरफ देखती है। मैं अभी आपसे बातचीत के लिए अभी जब 4:30 बजे आपसे रिकॉर्डिंग के लिए मैं आया तब मैं शेयर मार्केट को देख रहा था कि शेयर मार्केट का क्या हाल है। तो शेयर मार्केट में सेंसेक्स जो है बॉम्बे का 312 पॉइंट डाउन था, 312, और निफ्टी जो था वो 65 पॉइंट डाउन था। ये क्या बताता है, कल बजट पेश हुआ तब 3-4 हजार पॉइंट के करीब नीचे चला गया, वो रिकवर हुआ थोड़ा सा, पर बजट के दिन आमतौर से शेयर मार्केट ऊपर जाता है। मैं शेयर मार्केट को क्यों बता रहा हूँ वो बताता हूँ जी जी। और निफ्टी क्यों गया और सस्ता क्या हुआ, मतलब सस्ता वो कह रहे हैं कि सोना सस्ता हो गया, 4,000 रुपए सस्ता हो गया और चांदी सस्ती हो गई। दूसरा मुद्दा ये कि सरकार अब इस बार इंटरवीन नहीं करेगी। आपने देखा कि सरकार ने इंटरवीन किया था जब ये जो आया था एग्जिट पोल, उसके बाद जो क्रैश हुआ था उसमें सरकार ने इंटरवीन किया था और अमित शाह ने कहा था कि 4 जून के बाद शेयर मार्केट उठ जाएगा। इस बार सरकार इंटरवीन नहीं करेगी क्योंकि सरकार चाहती ही नहीं है इंटरवीन करे, क्योंकि उसको बजट डेफिसिट को, फिस्कल डेफिसिट को कम करना है और इसलिए वो मार्केट कैपिटलाइजेशन में नहीं पड़ना चाहती। मैं इसमें पॉइंट ये निकाल रहा हूं कि गुजरात की जो पूरी की पूरी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी है वो नाराज है, मतलब गुजरात में करीबन 60-70% जो वहां के लोग हैं उनका मुख्य काम ही प्रॉपर्टी और शेयर मार्केट है, और उसमें ये जो शेयर मार्केट में इस बजट से कुछ नहीं मिला बल्कि निराशा मिली है कैपिटल गेन टैक्स में, उसके कारण पूरा का पूरा गुजरात नाराज है। और राहुल गांधी वहां बोल के आए कि इस बार हम आपको हरा देंगे, गुजरात में चुनौती दे के आए। अब आप देखिए कि लोग उम्मीद कर रहे थे कि उनके जीने मरने की चीजें सस्ती होंगी, खाने पीने का सामान सस्ता होगा, जिंदगी आसान बनेगी, बैंक के कर्जे आसान होंगे, ईएमआई आसान होंगी, उनकी आय बढ़ेगी, रुपए की कीमत बढ़ेगी, रुपया डॉलर के मुकाबले 83 रुपए हो गया। आप देखिए कि चीजें क्या सस्ती हुई है, बोले मोबाइल फोन सस्ते हो गए, मोबाइल चार्जर सस्ते हो गए,
मोबाइल की बैटरी सस्ती हो गई, लिथियम बैटरी सस्ती हो गई, चमड़े की वस्तुएं सस्ती हो गई, मछली का खाना सस्ता हो गया, रसायन, पेट्रोल केमिकल, एक्सरे उपकरण, सोलर सेल, ये सस्ते हो गए। अब मुझे बताइए आशुतोष जी, ये जो अमोनियम नाइट्रेट है, प्लास्टिक है, टेलीकॉम उपकरण है, ये तमाम जो चीजें हैं, और 10 लाख से ऊपर के लग्जरी आइटम पर TDS जो है वो TCS प्रस्तावित है, मुझे ये बताएं कि ये जो चीजें सस्ती की इन्होंने, उससे क्या आम आदमी की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ने वाला है? मतलब जो 140 करोड़ का देश है और जिसमें 80 करोड़ आप कह रहे हैं कि सस्ते अनाज पर या मुफ्त के अनाज पर जिंदा हैं, उसमें आप क्या दे रहे हैं? आपने कहा है जो आपकी जो जॉब की स्कीम है, इंसेंटिव वाली, स्किल इंसेंटिव वाली जो स्कीम है, उसमें आप कह रहे हैं कि 5 साल में 4.1 करोड़ नए जॉब देंगे। 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, और जितने जॉब ये 5 साल में देने वाले हैं टोटल जॉब, उतनी बेरोजगारी हर साल बढ़ रही है देश में। तो आप ये बताएं कि मतलब इसमें जो दिख रहा है, दो चीजें दिख रही है जी। कि आप अपोजिशन के विरोध को तो पॉलिटिकल कह सकते हैं, मतलब हम मान सकते हैं कि भाई अपोजिशन तो हर चीज का विरोध करता है, वो बजट का भी विरोध करेगा और कर रहा है और इसको जारी रखेगा। बजट पर जब बहस होगी, बजट पर डिबेट दोनों सदनों में होगी और फिर उसमें उनको जवाब देना पड़ेगा, सरकार को, वित्त मंत्री को जवाब देना पड़ेगा, और हो सकता है कि जब जवाब दें जो उसमें कई चीज़ें वो नए सिरे से इंट्रोड्यूस करें, तमाम कुछ परिवर्तन भी करें चीज़ों में, वो एक अलग मुद्दा है। पर जो ये जो संसद का जो सत्र है, ये तो लग रहा है कि पूरा वॉश आउट हो जाएगा। अब हमने एक बात की कि अब विपक्ष तो विरोध कर रहा है, बहिष्कार कर रहा है, धरने दे रहा है, कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं कि आम जनता की जो नाराजगी है बजट के प्रति, या बिल्कुल एपेथी है, या कोल्ड फिट डेवलप कर लिए, या उसको कुछ लग ही नहीं रहा है कि देश में कुछ पेश हुआ है, बजट पेश हुआ है, और इसका खामियाजा आम जनता के स्तर पर जो भुगतना पड़ेगा, बीजेपी के राज्यों में भी भुगतना पड़ेगा सरकार को, और अपोजिशन के राज्यों में भी भुगतना पड़ेगा, और चुनाव में भी भुगतना पड़ेगा, जिसमें महाराष्ट्र का चुनाव भी शामिल है, हरियाणा का चुनाव भी शामिल है, उसके बारे में सरकार का क्या कहना है या बीजेपी का क्या कहना है? सरकार उसके बारे में जनता से तो बात करे कि भाई हमने आपको ये चीज दी है जी, वो मतलब वो भी नहीं आ रही ना। आप ये तो कह रहे हैं कि यूपीए की गवर्नमेंट में, यूपीए की गवर्नमेंट भी डिस्क्रिमिनेटरी थी, कि वो जब ममता बनर्जी साथ थी तो बंगाल को दिया, ममता बनर्जी साथ नहीं थी तो उन्होंने नहीं दिया, या डीएमके जब साथ थी तब दिया, डीएमके ने हट गए तब नहीं दिया। उन्होंने, अमित मालवी ने कई राज्यों के उदाहरण दिए। हमारा ये पूछना है कि ठीक है यूपीए में हुआ, आप तो जनता को बता दीजिए, और जिन राज्यों को नहीं दिया उनको बता दीजिए कि आपने उनको क्या दिया है और कैसे दिया है। मल्टीलेटरल एजेंसीज के जरिए जो मिल रहा है उसकी बात नहीं कर रहे, या नरेगा के जरिए जो मिल रहा है उसकी, नरेगा में तो आपने बंगाल में उनके पुराने रोक के रखे थे, जो उनका बकाया था वो भी रोक दिया। अब मैं दूसरी चीज ये कह रहा हूं कि बजट के में जो बीजेपी की दिक्कत हो रही है सरकार की, और मैंने पहले शुरू किया था कि मोदी जी कहाँ है, मोदी जी का स्किल कहाँ है। अब आप इसको जोड़िए कि ऐसे समय जब सरकार बजट को लेकर संकट में है, उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य के हमले बढ़ रहे हैं, मतलब वो नहीं, वहां सीज फायर नहीं चल रहा,
वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये सरकार बजट सत्र से पहले निकल जाए, हम योगी के खिलाफ हमले, फिर योगी मतलब केशव प्रसाद मौर्य से सारे के सारे राजघोर भी मिल रहे हैं, निषाद भी मिल रहे हैं, अनुप्रिया पटेल के साथ भी उनका संपर्क हो रहा है, और वो चीफ मिनिस्टर की ऑफिशियल मीटिंग्स में भी नहीं जा रहे हैं, दोनों चीफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स नहीं जा रहे हैं। और वहां ये जो चल रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर बीजेपी भी छोड़ सकते हैं, जो कि आरएसएस के प्रोडक्ट हैं बेसिकली। हम कुल मिलाकर ये देख रहे हैं कि बीजेपी का संकट देख रहे हैं इसमें, जो कि बजट में फंसी है और ये फंस गई है उत्तर प्रदेश, ये मतलब क्या कारण क्या है, हम ये देख रहे हैं कि ये इतना एकदम क्राइसिस जो है, क्योंकि हम सीतारमन को पॉलिटिकल पर्सन नहीं मानते हैं कि वो पॉलिटिकली पार्टी को डिफेंड कर रही है, बजट को डिफेंड कर सकती हैं पर पार्टी को डिफेंड, तो पार्टी को डिफेंड करने वाले, मोदी जी को डिफेंड करने वाले कौन है? क्या आपको नजर आया आशुतोष जी कोई आदमी जो पार्लियामेंट में दिखाओ बाहर दिखाओ जो मोदी जी के बिहाफ पर, मोदी जी खुद को डिफेंड कर रहे हैं, पिछले उनको जब बोलने नहीं दिया अपोजिशन ने, वो जब बोल रहे थे तो आपने देखा कि इस तरह का वीडियो आया जिसमें वो रुआसे से हो रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए ये कितना बड़ा अपमान किया और इसका कोई विपक्ष को पश्चाताप नहीं है। चारों तरफ से हमला बीजेपी पर इस समय चल रहा है, और अभी एक जो नई चीज मैं देख रहा हूं आएगी वो ये आएगी कि जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज को बजट में कुछ नहीं मिला, और दूसरे आप इंडस्ट्रीज से डिमांड कर रहे हैं कि वो जॉब दें और वो जो इंसेंटिव वाले जॉब्स हैं वो प्रोवाइड करें, इंडस्ट्रीज 500 इंडस्ट्रीज को आप कर रहे हैं कि वो जॉब देंगे, तो हम इसको अपनी पूरी की पूरी बातचीत को अब समेटते हैं कि आखिर ये सरकार का होगा क्या। ये सरकार बहुमत के लिए तो बैसाखियों पर चलेगी, पर कॉन्फिडेंस के लिए उसके पास बैसाखियां कहां से आएंगी, ये हमारा मुद्दा है कि आपने बहुमत तो जुटा लिया बैसाखियों के जरिए, मतलब उसमें एक पॉइंट ये भी है कि आंध्र प्रदेश के 16 लोगों को आपको समर्थन है और आपने उनको 15,000 करोड़ दिए, और जेडीयू के 12 लोगों का समर्थन है और आपने वहां 59,000 करोड़ दिए बिहार में, वो एक हार्ट बर्निंग अलग है, और बाकी राज्यों को आपने कुछ नहीं दिया वो हार्ट बर्निंग अलग है। सरकार के कॉन्फिडेंस की वापसी कैसे होगी, और मोदी जी का कॉन्फिडेंस अगर शेक कर जाएगा तो वो जो कहते थे राजनाथ सिंह और मोदी जी की पाकिस्तान को उसके घर में घुस के मारेंगे और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हम छीन लेंगे और न कोई घुसा है न घुसेगा न घुसने देंगे, वो तमाम चीजें कहां से पैदा होंगी? तो देश के 140 करोड़ नागरिकों को अपने प्रधानमंत्री की तरफ किस विश्वास के लिए, किस कॉन्फिडेंस के लिए, किस नेतृत्व के लिए देखना चाहिए, ये मुद्दा है इस बजट पर जो पूरा विरोध चल रहा है उसके क्रक्स में। जी थैंक यू सर, थैंक यू।